प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं रुद्र सामानी सातवीं कक्षा से। आज मैं आपको गीता के दो श्लोक सुनाने वाला हूँ। गीता को वेद व्यास जी ने लिखा है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अब मैं अध्याय 2 का 58वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। यदा संभरत जाय कुर्मोगनी वशर वशह इंद्रियाणिन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ जिस तरह से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर रखना है। अगर किसी के सामने आप स्वादिष्ट खाना रखे तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? या अगर किसी के सामने आप महंगे आभूषण रखे तो क्या वो स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा? ना, ये संभव नहीं है दोस्तों। इसको जो संभव कर दे उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखिए, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। अब मैं दूसरा श्लोक बोलने जा रहा हूँ, जो है अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, विनाश का कार्य होगा या अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा। धन्यवाद।